साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल एक बार फिर से दोस्तों इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये लाइव है दोस्तों वीडियो, तो मैं आपसे संवाद भी करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस बारे में हम और आप दोनों मिलकर चर्चा भी करें। और आज की जो खबर है दोस्तों वो संजय सिंह से जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। संजय सिंह के जेल जाने की फिर से तैयारी हो गई है। जी हाँ, और ये मामला शराब घोटाले का नहीं है, ये जो पाप है ना, खुदरा पाप, समझते हैं ना कि जिस इंसान की नीयत खराब होती है वो एक के बाद एक कई गलतियां करता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हावी होती है और उसके बाद सारी गलतियां एक एक करके जब निकलती है ना तब पता चलता है कि क्या क्या पाप किया गया है। तो संजय सिंह के फिर से जेल जाने की तैयारी हो गई है और यकीन मानिए ये झटका कहीं लोअर कोर्ट से नहीं लगा है, इस बार ये झटका दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट से लगा है। और उन्हें अब एहसास होगा कि मोदी से टकराना कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ मोदी से टकराने की बात, तो एक सवाल आपके मन में उठ सकता है, बड़ा लोकतंत्र का खतरा और ये सारी चीज़ें आती हैं। वैसे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि कल और आज मैंने NDTV में, आप लोग बड़ा कहते हैं कि मेन स्ट्रीम चैनल में भी आप आया कीजिए, तो मैंने फिर एकाध जगह हामी भरी NDTV में दो शो में शामिल हुआ और वहाँ भी मैंने कुछ बातें उठाई थी, वो मैं शेयर करूँगा कम्युनिटी में। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये लोग किस प्रकार से सिर्फ अपने स्वार्थ में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं और इस चक्कर में खुद फंसते चले जाते हैं, ये बात बताऊंगा और आपको एक एक करके न्यूज़ दिखाता हूं, आपसे बात भी कराऊंगा। सोहन सिंह जी लिख रहे हैं, सर जी संजय सिंह को जल्दी तिहाड़ी बनाओ। तिहाड़ी बन गए सोहन जी, बनाने की ज़रूरत नहीं है, कह सकते हैं तिहाड़ी है। जैसे ये लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, आप कह सकते हैं तो तिहाड़ी है ही और जमानत पे बाहर हैं, जमानती भी हैं और मुंह भी सिल दिया है कि बोल नहीं सकते लोअर कोर्ट ने, तो ये सब तो आप कह ही सकते हैं। लेकिन आप खबर देखिए, क्यों ये महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में संजय सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, PM की डिग्री से जुड़ा है मामला। समझ गए होंगे आप, ये लोग जो खुद को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ समझते हैं, कहते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि इनके अलावा बाकी सारे लोग अनपढ़ ही हैं। ये यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं समझते दोस्त, ये अदालतों को कुछ नहीं समझते और इसीलिए ये नौबत आ जाई है। और आप देखिए, शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। संजय सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका कर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठाया था। और जब मैं पढ़ रहा हूं ना, तो आप सहमत है कि नहीं जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि ये सारे लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये आदमी तो आदतन अपराधी है, तो ये जो एनार्किस्ट लोग हैं जो खुद को कह चुके हैं कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं, और ये तो पहली बार इस देश में हो रहा है ना कि कोई गुनाह करता और गर्व करता है, कोई जेल जाता है और उस पर गर्व करता है, कैसी विचित्र परिस्थिति दोस्तों। इस देश को अगर राजनीति को बद से बदतर बनाने में किसी का योगदान है तो वो आदमी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। मैं कह सकता हूं जो आदमी अनाप शनाप आरोप लगाता था, कागज के टुकड़ों पर बेईमान घोषित करता था, लोगों को सर्टिफिकेट बांटता था, आज वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। और भ्रष्टाचार कैसा, शराब घोटाले का, शराब घोटाले का सरगना। और इसीलिए ये नौबत आई है, आज डिग्री वाला मामला उठा है तो हो सकता है ये बोलेंगे कि अरे देखो चुनाव के समय हो रहा है, चुनाव के समय नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा
और फिर आपको समझ में आएगा। राजेश जैन जी लिख रहे हैं, अति सुंदर, बहुत ज्यादा बोल रहा था। हरीश जी आपका बहुत ही आभार सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए, धन्यवाद सर। राजेश जी, मैं तो देखता हूं कि एक आदमी होता है कि जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जो आदमी जला होता है वो तो वाकई सतर्क होता है। ये सतर्क नहीं है, इनमें बड़ी हड़बड़ी है। इनको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना आप तो संतुष्ट नहीं होगा। ये बोलेगा अमेरिका का राष्ट्रपति तो नहीं बना ना, इनको वो भी बना दीजिएगा तो बोलेंगे यूएन का तो सेक्रेटरी जनरल नहीं बना, वो भी बना देंगे तो ये तो भगवान बनेंगे। दिल्ली के मालिक जो है वो भगवान बनना चाहेंगे। आगे आपको मैं ये खबर दिखाता हूँ, और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी के लिए भी खबर है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने गजब कर दिया, कहर ढार दिया। जानती क्या कहा, आपकी जरूरत नहीं है। आपको मजा आएगा, मैं जरा पढ़कर दिखाता हूँ खबर बार एंड बेंच की। देखिए, पीएम मोदी डिग्री विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में संजय सिंह को समन बरकरार रखा। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही मतलब पहली बार कहिए कि गजब तर्क होता। आप देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले इस मामले में संजय सिंह को कोई राहत देने से मना कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के फैसले से वो सहमत हो गया है। आज संजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने, बड़े ध्यान से वकील का नाम सुनिएगा, अभी मैं दूसरा भी नाम लूंगा, हाई कोर्ट में संजय सिंह की ओर से एक वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलील दी कि सिंह ने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है, जिसके लिए उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की जाए। चलिए, मान लिया मैंने भी। आगे देखिए, जॉन ने कहा, पेन ड्राइव वीडियो से यह स्पष्ट है कि बयान विश्वविद्यालय के लिए मानहानिकारक नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री बनाई है। हालांकि अब देखिए, न्यायालय ने जो उत्तर दिया मैं वो पढ़ रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि इस पर मुकदमे में बहस की जा सकती है। चलिए, मान लिया, आप सही कह रहे होंगे, बहस कीजिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, यह सब बचाव का मामला है, शिकायत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले की जरूरत है, आपके पास भी अपना अवसर होगा, शिकायत पढ़ें। रेबेका जॉन आम आदमी है, ये कितने महंगे महंगे वकील लाते हैं। कई बार तो लगता है दोस्तों मन में कि काश भगवान मुझे भी आम आदमी ही बना देता। माने आम आदमी ये वाला नहीं, वो वाला जहां पहले तो क्या उसको बोलेंगे, वैगनार कार में घूमेंगे, लंबी लंबी कमीज पहन लेंगे, हम भी खांस लेंगे यार, उसमें क्या है, वैसे भी प्रदूषण है, और हम भी बोलेंगे हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर सब ले लेंगे। तो ये आम आदमी जिसके लिए एक वरिष्ठ वकील खड़े हो जाते हैं और उसके बाद मामला खत्म नहीं होता। और आप देखिए इस खबर को, मैं पढ़कर दिखा रहा हूं, इसके बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी आज संजय सिंह की ओर से पेश हुए और दलील दी कि इसमें क्षेत्राधिकार का मुद्दा शामिल है। अभी तक तो रेबेका जॉन, अब अभिषेक मनु सिंघवी, पूछ मत लीजिएगा कितना फीस लेते हैं, घर बार सब बिक जाएगा, दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये आम आदमी तो दे देते हैं, कैसे देते होंगे आप भी समझिए। अब कोर्ट ने क्या कहा आप सुनिए, न्यायालय ने व्यक्त किया कि वह सिंह के लिए, माने संजय सिंह के लिए, दो वकीलों को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट भी सरप्राइज हो गया, बोला भाई एक मामला है, मानहानि का मामला है, छोटे माने निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, एक वरिष्ठ वकील ने दलील दी, अब अभिषेक मनु सिंघवी, मैं पढ़कर ही आपको बता रहा हूं। और कोर्ट ने क्या कहा सुनिए, कोर्ट अनकोर्ट में पढ़ रहा हूं मैं रिपोर्ट से, हम दो वकीलों की अनुमति नहीं देंगे, और जहां तक आपराधिक कानून का सवाल है तो वह मतलब कोर्ट में जॉन बेहतर स्थिति में है। पीठ ने अंततः सिंह को, संजय सिंह को मतलब, निचली अदालत के समन में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। कमाल है, कमाल है दोस्तों,
ऐसे आम आदमी तो इस देश में भरे होने चाहिए जो एक साथ दो दो इतने बड़े और महंगे वकीलों को खड़ा कर दे सुप्रीम कोर्ट में और विवश कर दे सुनने के लिए। आप जाइए किसी कोर्ट में, देखिए कि आपकी सुनवाई होती भी है या नहीं होती है, और होती भी है तो डेट कब मिलती है। लेकिन यह आम आदमी कमाल है, ये तो मोदी राज में ही संभव है। जय हो मोदी जी, बोल दीजिए आप भी। देखिए बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं थोड़ा, एक आध कमेंट पढ़ता हूं। निर्मला तिवारी लिख रही हैं, ऐसे लोग को जेल में रहना चाहिए भाई साहब, धन्यवाद। नागा हीरा, जो आदमी पिक्चर हॉल पर 30 रुपये के टिकट पर 100 रुपये में बेचता था, क्या वह राजनीति में आने के बाद घोटाला नहीं करेगा क्या? आप ये बहुत उछल रहे हैं अनाप शनाप। अब देखिए ये टिकट घोटाला वाला मामला मैं बड़ा सुनता हूँ अपने कमेंट में, मैं नहीं जानता तो मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा, लेकिन कमेंट बड़े आते हैं। मैं नरेंद्र चंदवार जी, आप पार्टी के सभी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और मैं एकाद कृष्णा हल्दर जी, जितने कुतर्क करने वाले प्रवक्ता हैं उन पर कानून का हंटर चलना चाहिए जरूर। अरे भाई नेता हो, जनहित की बात करो। मंजीत सिंह, सर जी इनके स्कूल घोटाले की भेज भी वीडियो बनाओ सर जी। केजरीवाल ने स्कूल बनाने का एक कमरे का खर्चा 30-35 लाख रुपये में लगाया है। अब मंजीत जी मैं आपको एक और जानकारी दूं, खबर तो अभी पढ़ दूंगा मैं, कि शायद इनके घर में कोई प्लम्बिंग का भी काम हुआ था। और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, मैं कभी निकाल के आपको दिखाऊंगा, उस प्लम्बिंग के काम में भी 30-40 लाख रुपये लगाए गए। तो आप कहाँ इन छोटी छोटी बातों में लगे हैं? बड़े आदमी, बड़ा शीश महल, बड़े बड़े कमरे, कमरों में एसी, और एक शब्द भी बोलना पड़ेगा कि इनके तो बाथरूम में भी एसी, और एसी नहीं, ये क्यों बोल रहा हूँ पता है ना, शीला दीक्षित का नाम लेकर बोला था, इनका बाथरूम भी बड़ा ऑटोमेटिक है, घुसते ही शीट खुल जाता है, उसको पता है कि कब पानी देना है। ये तो कमाल के लोग हैं ना। तो आपको तो खैर आप उन बातों में कहाँ लेकर के जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा फिर खबर में लौटता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, मैं खबर में वापस आया हूँ संजय सिंह वाली में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने बात कही है वो अपनी जगह कार्रवाई जारी रहेगी, किसी ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया कुछ कहा उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं जरा इसे अंग्रेजी में जो रिपोर्ट की है लाइव लॉ की मैं पढ़ता हूं। द बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवई एंड संदीप मेहता Hearing Singh's challenge to a Gujarat High Court order said the High Court has already observed that all contentions available to the parties are kept open. आगे लिखा है, the learned trial judge would not be influenced by any of the observations made in the imposed order. अच्छा ये High Court ने कहा, High Court ने ये कहा फैसला देते हुए कि जो लोअर कोर्ट की कार्रवाई है वो यथोचित है, वो जो हो रही है वो होनी चाहिए, किसी चीज से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोचिए, चूंकि ये आम आदमी सो कॉल्ड कोर्ट अनकोर्ट में बोल रहा हूं, इनके पास पैसा है। अब तो मेरे को तो एक डायलॉग आता है, किस फिल्म का है बताइए आप लोग, कि है ना जिसमें एक हीरो कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर वाला। तो अब ये लोग तो बोलेंगे मेरे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, और मेरे पास माँ भी है। माँ को लेकर के भी ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नानी भी है, केजरीवाल तो नानी की भी कहानियाँ सुनाए हैं। केजरीवाल जी बोलेंगे मेरे पास बच्चा भी है, बच्चे की भी कसम खाते हैं। तो ये तो कहानियाँ हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस मामले में जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है, उनकी डिग्री को लेकर है, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन करके कि सुप्रीम कोर्ट से पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी दोस्तों बड़ी ही सख्त टिप्पणी की थी। ये मैं 8 अप्रैल ये इसी रिपोर्ट से मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में इस मानहानि मामले में
केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को तलब किया था। इसके बाद ये हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, बड़े ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक नागरिक दूसरे नागरिक को बदनाम कर सकता है। मेरा अधिकार है तो मैं क्या किसी को गाली दे दूंगा? आप खुद सोचिए ना। अच्छा, जब ये सारी चीजें बता रहा हूं तो थोड़ा सा बगल हट करके एक बात आपको बता दूं कि अभी जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया ना, पता है ना आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। लेकिन एक पॉइंट जो शायद आप मिस कर गए हो, मैं बता देता हूं। उसमें लिखा है दोस्तों कि अब मानहानि अपराध नहीं रहेगा। इन्हीं लोगों ने मिलकर तैयार किया है। मतलब आप जब चाहें जिसको दीजिए, देना हो गाली देते रहिए। अब किसी को भी गाली दीजिए, अगर कांग्रेस का राज आ गया और कांग्रेस ने उसे अपराध विहीन कर दिया, जैसे अभी क्या है, झूठ बोलना अनैतिक हो सकता, अपराध नहीं है, आप चाहें तो झूठ बोलते रहिए, जैसे केजरीवाल बोलते रहते हैं। तो अब अगर ये कानून बन गया तो आप गाली भी दे सकते हैं, जिसको चाहें गाली दीजिए, अपराधी नहीं रहेगा। ये कांग्रेस काम करने वाली है, सोचिए बड़े ध्यान से। इसीलिए हाईकोर्ट की ये जो बात बता रहा हूं बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये कहानी कहां से शुरू हुई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी किया था पेशी वारंट। गुजरात विश्वविद्यालय के एक मुकदमा दायर करने के बाद अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पेशी वारंट जारी किया था। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो इस बात को समझ लीजिए कि इसका असर क्या होगा। इसका असर ये होगा दोस्तों कि अब उन्हें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाना पड़ेगा। और संजय सिंह ही नहीं, इस मामले में केजरीवाल भी फंसे हुए हैं। उनकी भी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज की थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल नवंबर 2023 में फिर से पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट और फिर खारिज कर दी। पढ़कर रिपोर्ट सुनाता हूं। नवंबर 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री के विवाद में सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा था। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। एक आध कमेंट, धीरज पटेल जी लिख रहे हैं, हरीश भाई आपका बोलने का अंदाज बहुत निराला है, आप बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसा है। धन्यवाद सर धीरज पटेल जी, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। आपका आभार, आपने तुलना इस तरीके से कि मैं हूँ नहीं शिकाहा सेन, जय सिया राम आपको। शिव कुमार लिख रहे हैं, इस संजय ऐसा काम करो यह सात जन्म राजनीति करना भूल जाए। ओम तिवारी जी लिख रहे हैं, हरीश जी आपकी जानकारी बिल्कुल सत्य होती है, संजय सिंह को तो अंदर जाना ही चाहिए। और परमानंद मिश्रा जी लिख रहे हैं, रंगे सियार आप ये निकले रंगे सियार, अच्छा आपने नारा लिख दिया। और हंसा पटेल जी लिख रहे हैं, क्या पार्टी है सारे के सारे बेशर्म झूठे नौटंकीबाज और दिल्ली की जनता भी मुफ्तखोर। अरे बाबा ऐसा मत बोलिए भैया, जनता को कहाँ गाली दे के जाएंगे, छोड़ दीजिए, कभी कभी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों इसके बैकग्राउंड को थोड़ा बताना चाहता हूं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला दोस्तों केजरीवाल के अहंकार से जुड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिए, ये आदमी अहंकारी है, ये आदमी आम आदमी नहीं है, इसमें घमंड कूट कूट कर भरा है। ये खुद को अराजकतावादी कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक पार्टी तो बना ली, लेकिन इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जहां इनको बहुसंख्यक आबादी दिखती है तो ये राम राम करने लगते हैं, अल्पसंख्यक दिखती है तो वो राम मंदिर में अस्पताल बनाने की बात करते हैं, हवा में उड़ गए जय सिया राम करते हैं। कभी इनके पार्टी का एक मंत्री भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ शपथ दिलवाता है, कभी कोई नानी की कहानियां बनाकर सुनाता है, जब मौका मिलता है तो बच्चे की कसम खाकर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और जैसे ही मौका मिलता है समझौता करके सरकार बना लेते हैं। झूठों पर तो मैंने 70 रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों, एक बार कोशिश करूंगा सारा मिक्स करके दिखा दूं।
ताकि जो केजरीवाल के खुदरा पाप है ना, वो आपको पता चल सके। तो मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। ये मामला दोस्तों ऐसा है कि इस मामले में केजरीवाल पर हाईकोर्ट 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक चुका है। मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार, उनको सपना आया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो फर्जी है। सपना आया, जैसे आजकल इनकी आत्मा घूमती है ना जेल के बाहर निकल निकल करके, पता नहीं आपने कभी दर्शन किए कि नहीं किए। और इनकी पत्नी तो शहीद भी बता चुकी हैं, और शहीद बताई नहीं है, भगत सिंह और अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में तस्वीर टांग भी चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्य सूचना आयोग उससे एक जानकारी मांगी, और जानकारी ये मांगी दोस्तों कि हमें प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देखनी है। और मुख्य चुनाव आयोग, ये तुरंत 2014 के बाद की बात बता रहा हूँ, और मुख्य चुनाव आयोग ने क्या किया जानते हैं, उसने तुरंत पीएमओ को भेजा कि डिग्री दिखाओ, और उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी सबको भेज दिया। और इस मामले में जब बात आगे बढ़ी, हाईकोर्ट तक पहुंचा दोस्तों, तो जानते हैं क्या हुआ, हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, और इसलिए गलत है कि ये डिग्री पूरी तरह से सार्वजनिक है, ये ऑलरेडी उपलब्ध है वेबसाइट में, तो क्यों मांगा जा रहा है। और फिर उसने उस आदेश को रद्द किया, मुख्य चुनाव आयोग के, मुख्य सूचना आयोग के आदेश को रद्द किया और बोला किसी को देने की जरूरत नहीं है। मगर इसके बाद जानते क्या हुआ, इसके बाद तुरंत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुजरात यूनिवर्सिटी पर अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए। और एक दिन तो इन्होंने किया, अगले दिन जो है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और संजय सिंह ने भी वही काम किया दोस्तों, उसने भी अनाप शनाप आरोप लगाए, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूनिवर्सिटी के बारे में बातें की, और इसके बाद दोनों ने इस बात को ट्विटर पर भी साझा किया, और यूनिवर्सिटी ने बताया कि इसे तो हजारों लोगों ने देखा, काफी लोगों ने, लाखों लोगों ने भी देखा होगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी को लगा कि इन दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब देखिए क्या कहा गुजरात यूनिवर्सिटी ने, वो भी बताता हूं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस मामले में फिर इन लोगों ने मानहानि की याचिका दाखिल की, और उसके बाद लोअर कोर्ट ने ये कहा कि आप दोनों उपस्थित होइए। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये इतने डरपोक हैं, ये कभी गए नहीं कोर्ट में, कोर्ट ने वारंट जारी किया नहीं गए, और उसके बाद हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने एक बार बोला कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, माई लॉर्ड दिल्ली में बाढ़ आ गई कैसे जाएं, बोला कोई बात नहीं, फिर बुलाया नहीं गए। और उसके बाद ये दोनों दोस्तों, अब देखिए मैं आपको डेट भी बताता हूं, पहली बार 15 जुलाई पिछले साल इन लोगों को समन किया गया था, ये नहीं गए। फिर 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था, नहीं गए। फिर 26 जुलाई तय की, नहीं गए। फिर ये ऊपर के कोर्ट में चलते चले गए, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, जहां इनकी फजीहत हुई और सुप्रीम कोर्ट से इनको करारा झटका लगा है। अब आगे क्या, एक महत्वपूर्ण सवाल, अब क्या होगा, अब उसका जवाब मैं आपको देता हूं। आपने राहुल गांधी का केस देखा कि नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या किया था, चोर कहा था सबको, मोदी समाज को चोर कहा, इस पर मानहानि का केस दर्ज किया गया, और उसके बाद लोअर कोर्ट ने क्या सजा दी थी, ये मानहानि का मामला है। जब देखा कि राहुल गांधी अकड़ कर बात कर रहे हैं तो 2 साल की सजा हुई, मेट्रोपॉलिटन, लोअर, हाई कोर्ट, सब जगह। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में इनकी सदस्यता बहाल हो गई, इसके बाद तो आपको पता है ना कि 2 साल अगर सजा होती है तो संसद सदस्यता चली जाती है। अब ये देखना है कि संजय सिंह और केजरीवाल में क्या होगा, इसमें अधिकतम सजा 2 साल की है, और 2 साल में तो सदस्यता चली जाती है,
लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं क्या होगा, ये तुरंत माफी मांग लेंगे। ये माफी बाज हैं, जैसे मफलर बाज है ना वैसे ही ये माफी बाज भी हैं। ये यू टर्न वाले हैं, ये तुरंत जाएंगे माफी मांगेंगे और बोलेंगे गलती हो गई मोदी जी, यूनिवर्सिटी जी, सबसे गलती हो गई और भूल जाएंगे। इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इनको सत्ता चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको अय्याशी चाहिए, इनको शीश महल चाहिए। अब इसके लिए चाहे थूक कर भी चाटना पड़े, चाहे झूठ बोलनी पड़े, चाहे किसी पर अपमानजनक बात कहकर मुकर जाना पड़े, बदल जाना पड़े, ये बदलने को तैयार रहते हैं। और इसी संदर्भ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को ज़रूर देखना चाहिए। और तभी मैंने कहा कि आने वाला समय इंतज़ार कीजिए, अब इनको अगर दोबारा जेल जाना पड़े तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि आपने अगर अब तक HB मेलोडी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, गीत नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, HB शॉर्ट्स भी देखिए, हरीश बर्णवाल शॉर्ट्स, जहाँ एक मिनट से भीतर में छोटी छोटी कहानियाँ मेरी टीम के लोग करते हैं। और बाकी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मैं लाइव हूँ तो चलिए थोड़ा सा आपसे संवाद कर लेते हैं, थोड़ा सा। परमानंद यादव जी, मंगेश जी, कृष्णा हल्दर जी, मुरारी जी, शंभु शुक्ला जी, सोहन सिंह जी, मुरलीधर यादव जी, सच्चू प्रसाद जी, विकल्प मिश्रा जी, देवाचंद मणिकपुरी जी, रंजीत दास जी, अजीत घोष जी, परमानंद मिश्रा जी, आप सभी को जय सियाराम। महेंद्र पाल जी, बिट्टू भाई जी, किरीट पटेल जी, असीम पाल जी, राजेश जैन जी, आपसे बात हो गई। अशोक दुआ जी लिख रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल्याण मखीजा जी लिख रहे हैं, जितना कमज़ोर निरीह है हमारे देश का कानून, एक ही केस में 10-10 बार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए बड़ा स्वाभाविक गुस्सा है ये। कल्याण मखीजा जी, मैं आपकी बात में अपनी सहमति मिलाता हूँ। भानु प्रताप सिंह जी, अमर काव्य कामथ जी, आपका नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। विकल्प मिश्रा जी, भानु प्रताप सिंह जी, उमा शंकर जी, मंजीत सिंह जी, श्याम सुंदर चटर्जी, जय सियाराम आपको। कृष्णा जी, निर्मला तिवारी जी, नागा जी, कोमल जी, नरेंद्र जी, रामपाल सिंह जी, गजानन जी, ए केजरीवाल, संजय सिंह, रास्ते के कांटे। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं गलत शब्द नहीं पढ़ूंगा भैया। परमानंद जी, अनीता शर्मा जी, आप पार्टी के लिए तिहाड़ जेल छोटी पड़ जाएगी, सारे के सारे ... मंगत सिंह चौहान जी, नशेड़ियों की नशे की वजह से मेमोरी करप्ट हो गई है। जगदीश जी, सतपाल कल्याण जी, अनिल यादव जी, आप सभी को नमस्ते। थोड़ा मैं नीचे आता हूँ। राम नरेश खरे जी लिख रहे हैं, हरीश जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रदीप कुमार जी, विपिन सिंह जी, लव चंद्रा जी, INC वाले बोल रहे हैं कि सरकार जवाब दो। रीना शर्मा जी, हरी वल्लभ जी, रीमा शर्मा, गोपी खंडेलवाल, नरपत सिंह जी, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। और फिर मैं बताऊं, हम लोग जो NDTV का एक कार्यक्रम है, हम लोग जो कल भी प्रसारित हुआ, आज भी हुआ, उस पर मैं एक गेस्ट के रूप में गया था। मैं जल्द ही आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, आगे भी ये कोशिश होनी चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, जय सियाराम।